Saleh and Saul Mubarak. Namaste. सात नवंबर की दोपहर 3:26 पर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के एयरफोर्स वन विमान ने दिल्ली की सरजमी पर दस्तक दी और उसके बाद सामने आया गर्मजोशी का शानदार नज़ारा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रोटोकॉल को फिर दरकिनार कर अमेरिकी राष्ट्रपति का तहे दिल से स्वागत किया। इस निजी स्वागत के बाद राष्ट्रपति का काफिला दोपहर के करीब 5 हुमायूं के मकबरे पहुंचा, जहां बराक और मिशेल ओबामा ने बड़े ही इत्मीनान से मकबरे का दीदार किया। इस मौके पर ओबामा ने वहां काम करने वाले मजदूरों के बच्चों के साथ वक्त बिताया, उनसे बातें की और तोहफे भी बांटे। ओबामा करीब 40 मिनट यहां ठहरे और मकबरे की खूबसूरती का खूब लुत्फ उठाया। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रोटोकॉल तोड़कर किसी अमेरिकी राष्ट्रपति का स्वागत किया हो। इससे पहले 2006 में जॉर्ज बुश के समय भी प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल के नियमों का उल्लंघन किया था। उधर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राष्ट्रपति के सम्मान में 7 रेसकोर्स रोड पर एक अनौपचारिक डिनर का आयोजन किया। ये तस्वीर है 7 RCR की और वक्त रात के करीब 8 का। दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स और उनकी पत्नी के स्वागत के लिए 7 RCR को दुल्हन की तरह सजाया गया था। मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए हर मुमकिन इंतजाम भी किए गए थे। पीएम के रात्रि भोज में शामिल होने के लिए 80 खास मेहमानों को न्योता भेजा गया था, जिनमें कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी भी शामिल थी। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद बराक ओबामा ने बाकी 79 मेहमानों से बारी बारी कर मुलाकात की। साफ है कि अपनी भारत यात्रा पर आए ओबामा हिंदुस्तान के हर खासम खास से मिलकर उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र मिश्रा के साथ राहुल शर्मा, न्यूज पॉइंट ब्यूरो, दिल्ली। रूस के राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने 2 की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ कई महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें व्यापारिक समझौता अहम है। दोनों देशों के बीच हुए 11 समझौते में 2015 तक $20 अरब व्यापार का लक्ष्य तय किया गया है। चुनावी प्रक्रिया और इमरजेंसी हालात में एक दूसरे का सहयोग करने पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके अलावा रूस ने भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन करने के साथ साथ न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भारत की सदस्यता की वकालत की है। दोनों देशों के नागरिकों के आवागमन की प्रक्रिया को आसान बनाने पर भी रजामंदी हुई है। मुंबई हमलों पर रूस के राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने पाकिस्तान से अपील की है कि 26/11 के गुनाहगारों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। न्यूज पॉइंट ब्यूरो। भारत और चीन के बीच 6 समझौतों पर मुहर लगी, लेकिन वैन जियाबाओ कई खास बातों पर रहे चुप। आइए आपको बताते हैं कौन सी हैं वो अहम मुद्दे जिस पर चीन ने साधी चुप्पी। प्रतिनिधि मंडल की बैठक के दौरान भारत की निगाहें कई मुद्दों पर टिकी थी, लेकिन चीन ने चली ऐसी शातिराना कूटनीतिक चाल जिसने भारत की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। चीन ने ये मामला खुद उठाया। इस मामले पर चीन गंभीर तो जरूर दिखा, लेकिन कोई हल निकालने में नाकामयाब रहा। बात जस की तस रह गई। जियाबाओ सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सीट दिलाने पर खुलकर समर्थन करने से बचते रहे। आतंकवाद ऐसा मुद्दा था जिस पर भारत खास तौर पर चीन से उम्मीदें लगाए बैठा था। जियाबाओ भी आतंकवाद पर गंभीर थे,
लेकिन 26/11 हमले पर चुप्पी साध गए। इसके साथ ही आतंकवाद के पीछे पाकिस्तान का नाम लेने से वो बचते दिखे। कूटनीति की हर चालों को चीन बड़ी ही चलाकी से चल रहा था। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहे ग्वांगजू बांध पर चीन ने इसे कोई खतरा मानने से इनकार कर दिया। चीन ने भरोसा दिलाया कि इस बांध के बनने से निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये थे वो चार बड़े मुद्दे जिन पर चीन चुप रहा। जियाबाओ की भारत यात्रा से हमें काफी उम्मीदें थी, लेकिन कूटनीति इस यात्रा पर भारी रही। साफ है चीन भारत में बाजार तलाशने आया था। कई अहम मुद्दों पर वो किनारा कर गया और भारत का दामन खाली रह गया। राहुल शर्मा, न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो, दिल्ली।